अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप टिकटॉक को यूज़ करते हैं और अगर आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को प्रो में चेंज करना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे अपने टिकटॉक के अकाउंट को प्रो में चेंज कर सकें, तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को प्रो में चेंज कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी पर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को प्रो में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने अपनी टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने मी पे क्लिक करके अपने अकाउंट में चला जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर तीन डॉट नज़र आ रहे होंगे, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक सेटिंग आ जाती है पहले नंबर पर माई अकाउंट की, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा, तो आपको नीचे एक सेटिंग मिलती है स्विच टू प्रो अकाउंट, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज आएगा, तो आपने रेड कलर वाले बटन पे जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपने फिर से इस रेड कलर वाले बटन पे क्लिक करना है और आपके पास एक कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद होंगी, आपके टिकटॉक का अकाउंट जिस भी कैटेगरीज में होगा आपने उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो म्यूज़िक और डांस के मुतालिक है, तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक डांस को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने जस्ट इस बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करें, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं मेल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद नीचे आपको एक बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने जस्ट इस बटन पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपको ये बोलेगा कि आपका अकाउंट प्रो में चेंज हो चुका है, आपने ओके वाले बटन पे जस्ट क्लिक कर देना है। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो सेटिंग होगी उसके अंदर एक न्यू सेटिंग आ जाएगी, जैसे दोस्तों यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे नीचे एक सेटिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं इस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये क्या है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके पास ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेटिंग का क्या मकसद है, यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी जितनी भी वीडियोज हैं उन पे जो भी व्यूज आते हैं दोस्तों वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो पे कब और किस टाइम यहाँ पे व्यू आ रहे हैं और कब और किस टाइम यहाँ पे मेरे जो अकाउंट है उस पे फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे जान सकते हैं कि कहाँ से व्यू आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो के मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।